नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर पर अमित शाह ने उड़ाया पार्टी का झंडा। केंद्रीय सरकार के फैसले के बाद जम्मू में बने हालात में आज कुछ सुधार। सड़कों पर रही काफी चहल पहल। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अपनी गाड़ी से जम्मू कश्मीर राज्य के झंडे को उतारा। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल का बड़ा बयान, बोले स्थिति रही संतोषजनक। अब समाचार विस्तार से। देश की पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। दिल्ली के एम्स अस्पताल में सुषमा स्वराज ने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके घर पहुंच श्रद्धांजलि दी। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से पास होने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अपनी गाड़ी से जम्मू कश्मीर राज्य के झंडे को उतार दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने संबंधी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद लोकसभा की भी मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था। जम्मू कश्मीर के राजभवन में बैठक हुई। इस बैठक में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसी को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया कि बैठक में जम्मू कश्मीर से संबंधित संसद में हुए घटनाक्रम के बाद राज्य में मौजूदा सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि घाटी से संबंधित जिलों के उपायुक्त को अपने कर्मचारियों को अलग अलग इलाकों में जाने और लोगों की आवश्यकताओं का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं अब जम्मू की दिन भर की हलचल पर। पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की आकस्मिक निधन से जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा में शोक की लहर तोड़ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद आज पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई पत्रकार वार्ता व जश्न की तैयारियों को ये दुखद समाचार प्राप्त होने के बाद रद्द कर दिया गया। यही नहीं, वे भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली भी रवाना हो गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पार्थिव देह बुधवार को 3 घंटे के लिए भाजपा मुख्यालय में रखा गया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब, committed to prove quality, patient care and diagnosis under one roof, 51/9 Trikuta Nagar near police station, Puri exclusive women, designer suits, saris, lehengas and bridal gowns, Ganesh Deya Nursing Home, Talaptilo Road behind petrol pump, Pakka Garage, Jammu, Friends Toys, visit for all kinds of toys for all age group, Sanjinagar, Jammu। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैम्बर ऑफ ट्रेड फेडरेशन की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें फेडरेशन के प्रधान नीरज आनंद ने बाकी सदस्यों के साथ स्वर्गीय सुषमा स्वराज को अपनी श्रद्धांजलि दी और बाद में केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का फैसले का स्वागत किया। केंद्र सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35 से हटाने के फैसले को लेकर पैंथर्स पार्टी की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की और कहा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर केंद्र ने जम्मू के साथ नाइंसाफी की है। केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 व 35 को जम्मू कश्मीर के हटाने के फैसले को लेकर आज पनून कश्मीरी की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पनून कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चिरंगू ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। अमरनाथ यात्रा स्थगित होने के बाद जम्मू में हजारों यात्री फंसे पड़े थे, जो रेलवे स्टेशन पर जमा थे और अपनी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बात को लेकर परेशान थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के 370 व 35 से हटाने का फैसला आने के बाद जम्मू में जो कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, उसको लेकर यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गई हैं।
जम्मू कश्मीर से दफा 370 व अनुच्छेद 35 से हटने के बाद बीजेपी के त्रिकुटा नगर कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी फ्रंट के प्रधान लाबाराम गांधी रिफ्यूजियों की मदद से शामिल हुए और वहां उपस्थित बीजेपी के संगठन मंत्री अशोक कोल, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा व पूर्व विधायक सत शर्मा को प्रधानमंत्री की इस कामयाबी की बड़ी मुबारकबाद दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर आज एमएलसी अशोक खजूरिया, पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने शोक व्यक्त किया है कि सुषमा स्वराज के निधन से बीजेपी में भारी नुकसान पहुंचा। उनका कहना है कि उनके इस दुनिया से चले जाने से बीजेपी में ऐसी खलल पैदा हो गई है जिसे पूरा कभी नहीं किया जा सकता। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।